अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला सैंडविच की रेसिपी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में अराउंड 3 टेबलस्पून तेल गरम किया है। तेल को अच्छे से हम गरम होने देंगे और जब ये गरम हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। एक प्याज को इस तरह से फाइनली चॉप करके मैंने इसे ऐड किया है और इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और इसे भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और जब ये फ्राई हो जाए अच्छे से तो हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो 1/2 कप मटर ऐड किया है मैंने। मटर को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से कुक हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मटर जो है वो हल्के से अभी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अराउंड 1 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इन सब स्पाइसेस को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे 1/2 मिनट के लिए। और जब ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। 2 आलूओं को मैंने अच्छे से बॉईल करके इन्हें मैश कर लिया था और फिर मैंने इसे इसमें ऐड किया है। तो इन मसालों के साथ हम आलू को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे और फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ करके इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। और यहाँ एक साइड से मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तो 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने। 2 ब्रेड के स्लाइसेस पे मैं यहाँ पे लगाऊंगी हरी मिर्च की चटनी। तो इस तरह से मैं इसे, ये बहुत तीखी चटनी लगाई है मैंने, आप अपने हिसाब से लगाइए। और बाकी के 2 जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनके ऊपर मैं लगाऊंगी टोमेटो सॉस, इसे भी मैं अच्छे से ब्रेड के स्लाइसेस पर स्प्रेड कर लूँगी। तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस पे मैंने टोमेटो सॉस और 2 ब्रेड के स्लाइसेस पे मैंने ये हरी मिर्च की चटनी और लगाई है। और जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई थी वो हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर लूँगी। चाट मसाला स्प्रिंकल करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है चीज़ स्लाइस, इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस एक एक करके। तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस पे मैंने इस तरह से चीज़ स्लाइस रख लिया है और जिस ब्रेड के स्लाइस पे टोमेटो सॉस हमने लगाया था वो इसके ऊपर हमने डाल दिया है। तो अभी हम करेंगे इसे ग्रिल। तो इसे ग्रिल करने के लिए हमने यहाँ पे ग्रिल पैन लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट तवे पे भी थोड़ा सा तेल लगाकर इसे टोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस ग्रिल पैन पे बटर अप्लाई किया था और जब ये एक साइड से अच्छे से हो गए तो मैंने इसे दूसरी साइड से टर्न कर लिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से ये मसाला टोस्ट जो है यानी कि सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। आप मेरी रेसिपी फ्रेंड ज़रूर ट्राई करना और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।